हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू इवन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं भाई, जैसे कि आपका एसएससी का एग्ज़ाम बिल्कुल ही पास है, जस्ट सिर पे ही है, तो आपको ये वीडियो जो है करंट अफेयर के अंदर आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी और आपको एग्ज़ाम में से डेफिनेटली क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेंगे, क्योंकि इसके अंदर मैं 6 मंथ के, यानी कि पिछले 6 मंथ के, जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड रहते हैं कि 6 मंथ में से ही करंट अफेयर पूछे जाते हैं, तो इस वीडियो में हम वही देखेंगे। तो एग्ज़ाम देने से पहले ये वीडियो को एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन, और इस सेशन में आपके पास लेके आ रहा हूँ, मेरा नाम है सुनील जिंदर। हालांकि वीडियो काफ़ी पहले बनानी थी, लेकिन मेरा शेड्यूल नहीं सेट बैठ पा रहा था वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, बट देर आए, फिलहाल आ गए होंगे और वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप लोगों को अपने SSC एग्ज़ाम में अपने रिज़ल्ट अच्छा चाहिए, बेस्ट रिज़ल्ट चाहिए, तो आप हमारी एंड्रॉयड ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। उससे आपको एक तरह से किस तरह से आपके जो लास्ट दिन हैं, अब क्योंकि डेट्स तो आई चुके हैं एग्ज़ाम्स की, तो इन दिनों में आपको किस तरह से प्रिपेयर करना है, तो वो चीज़ भी आपको हेल्प करेगी। तो एंड्रॉयड ऐप जरूर डाउनलोड कर लें। तो सबसे पहले देखते हैं आज का हमारा क्वेश्चन कि कौन सी कंट्री में, और हाँ ये जो है एक वन लाइनर होगा भाई, ठीक है, मैं ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करूँगा, जस्ट क्वेश्चन और आंसर, और हल्का फुल्का बता दूंगा अगर ज़रूरत पड़ी तो। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि 2018, क्योंकि दिसंबर के अंदर होता है भाई ये, तो 2018 के अंदर G20 समिट कहाँ पर हुई थी, तो ये हुई थी भाई अर्जेंटीना के ब्यूनोस एरिस में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। और 2019 की होगी जापान के अंदर, 2020 की होगी सऊदी अरेबिया रियाद के अंदर। उसके बाद है नए चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, इनका काम होता है कि जब भी बजट आता है उससे पहले एक आर्थिक सर्वेक्षण जो है ये प्रस्तुत करते हैं, तो नाम है इनका कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, पहले अरविंद सुब्रमण्यम थे इस पोस्ट पर, 3 साल की अवधि होती है, अरविंद सुब्रमण्यम थे, जैसे मैंने बताया कि बजट से पहले आर्थिक सर्वेक्षण जो है देना होता है इनको। उसके बाद है कि भाई करतारपुर कॉरिडोर स्टार्ट हुआ है भारत और पाकिस्तान के बीच में, क्योंकि गुरु नानक देव जी की अभी जो है 550वीं जयंती आने वाली है, तो ये जो कॉरिडोर है पंजाब के कौन से ज़िले में स्थित है, तो ये गुरदासपुर के अंदर है भाई, गुरदासपुर के डिस्ट्रिक्ट से जो है पाकिस्तान के थ्रू जो है कॉरिडोर बनने वाला है, क्योंकि वहाँ पर गुरु जी ने अपने 18 साल व्यतीत किए थे। उसके बाद है 2019 के इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स के अंदर भारत का रैंक क्या था, तो US कॉमर्स इसको जो है रिलीज़ करती है, तो भारत का इसका रैंक के अंदर, भारत का इसमें रैंक जो है ऑप्शन नंबर ए 36वां है। उसके बाद है एक स्कीम है भाई जिसका नाम है अरुंधति, तो ये कौन से स्टेट ने स्टार्ट की है भाई, तो ये स्टार्ट करने वाला जो स्टेट है वो है आसाम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, और इसके अंदर 1 तोला गोल्ड दिया जाएगा जो भी नवविवाहित ब्राइड्स होंगी। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द अमोंग टॉप 10 रेवेन्यू, यानी कि कौन से स्मारक से, मोन्यूमेंट से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट किया जाता है अगर हम बात करें 2015 से 2018 तक की, तो इसका आंसर होगा भाई ऑल ऑफ अबव। इसमें जो है 10 लिस्ट आती है, नाम आप देख सकते हैं इन सबका, 10 के 10ों का, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद है 4th एडिशन ऑफ प्रो रेसलिंग लीग किसने जीती, कौन सी टीम ने जीती, तो ये जीती भाई हरियाणा हैमर्स में, फाइनल आप लोग देख सकते हैं पंजाब और हरियाणा के बीच में हुआ था, विनर इसका हरियाणा हैमर्स। उसके बाद है 2019 के लिए रणजी ट्रॉफी किसने जीती, रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से बिलोंग करती है, तो ये जीती है भाई विदर्भा ने। उसके बाद है कुछ ट्रॉफीज के नाम है जो क्रिकेट से रिलेट करते हैं, देवधर, दिलीप, CK नायडू, ईरानी ट्रॉफी, सब क्रिकेट से ही बिलोंग करती है। उसके बाद है अबू धाबी जुडिशियल डिपार्टमेंट जो है उसने अभी कोर्ट ने अपनी तीसरी लैंग्वेज, यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज पहले 2 थी, अब एक लैंग्वेज और ऐड की है तीसरी लैंग्वेज, तो वो कौन सी लैंग्वेज ऐड की है, तो ये लैंग्वेज ऐड की है भाई हिंदी, पहले थी अरबिक और इंग्लिश 2 थी, अब तीसरी हिंदी भी जुड़ गई है। उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश के लिए PM मोदी ने जो है एक नया चैनल लॉन्च किया है, दूरदर्शन चैनल, नाम क्या है भाई, नाम देख सकते हैं आप लोग, DD अरुण प्रभा, इमेज भी ऐड कर दिया है ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे। उसके बाद है एक टनल है भाई जिसका नाम है सैला टनल प्रोजेक्ट, तो ये PM मोदी ने इसका फाउंडेशन जो है कौन से स्टेट के अंदर रखा भाई, तो ये रखा गया है, कन्फ्यूज़ नहीं होना है भाई, कश्मीर के अंदर, ये है अरुणाचल प्रदेश, कहीं जानबूझ के तो नहीं, कई बार गलती से क्या होता है टनल के बारे में, तो टनल सीधा जम्मू कश्मीर ही जाता है ध्यान, लेकिन इसका आंसर क्या होगा भाई, अरुणाचल प्रदेश आंसर होगा 2018, क्योंकि ये भी दिसंबर में अनाउंस होते हैं भाई कि मिस वर्ल्ड 2018 की इस बार कौन है, तो ये रही हैं भाई वेनेसा पोंस डी लियोन, जो कि मेक्सिको से बिलोंग करती हैं, क्योंकि 2017 के मानसी छिल्लर थी, तो ये प्रथा है इनकी कि भाई जो भी पिछला विनर होगा वो नेक्स्ट विनर को जो है क्राउन पहनाएगा। उसके बाद 2018 के लिए AHF का जो है प्लेयर ऑफ द ईयर कौन था, तो ये हमारे इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन मनप्रीत सिंह। उसके बाद है कौन से स्टेट ने लॉन्च की है बोट एम्बुलेंस सर्विस रिमोट एरिया, यानी कि जिन एरिया में पहुंचना
एसएससी इतना इजी नहीं है, वहाँ पे जो है एम्बुलेंस स्टार्ट की है, तो ये की है उड़ीसा की सरकार ने, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं भाई, तो ये बने हैं ब्रिजभूषण शरण सिंह, ऑप्शन नंबर बी। मैं बता रहा हूँ वन लाइनर है, जस्ट आपको रीड आउट करने के लिए, रिविज़न करने के लिए वीडियो जो मैं अपलोड कर रहा हूँ। उसके बाद है एक पीएम किसान स्कीम है भाई, जिसके अंदर किसानों को जो है एक तरह से पेंशन दी जाएगी, तो ये उत्तर प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट से लॉन्च की गई, तो ये लॉन्च की गई गोरखपुर से। गोरखपुर आप जानते हैं पीएम सीएम योगी के लिए काफ़ी फेमस है। और ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा भाई इसका अमिताभ बच्चन, इनको WHO के द्वारा गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है हेपेटाइटिस के लिए, किस रीजन में, साउथ ईस्ट एशिया रीजन के अंदर, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है कौन सी रेलवे लाइन जो है वर्ल्ड की हाईएस्ट रेलवे लाइन बन गई है भाई, तो ये बन गई है, हाईएस्ट का मतलब है कि ऊंचाई पे, तो ये बन गई है न्यू बिलासपुर मनाली लेह रेलवे लाइन, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है एक इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम स्टार्ट किया, तो उसके अंदर एक हेल्पलाइन नंबर था, तो हेल्पलाइन नंबर है 112, और इसका रिस्पॉन्स टाइम क्या है भाई 10 से 12 मिनट है, और हर तरह की डिफरेंट काइंड ऑफ असिस्टेंट जो है ये प्रोवाइड करेगा। कौन सा IT सेक्शन है जो कि 2000 के अंदर बना था, जो कि IT सेक्शन 66A, यानी कि अगर कोई भी सोशल मीडिया पे जो है कुछ भी तरह का अब्यूजिव ऑफेंसिव कंटेंट डालता है, तो पहले तो क्या था इसके ऊपर सजा थी, लेकिन 2015 के अंदर इसको जो है ख़त्म कर दिया गया था, अब जो है इस पर लागू कर दिया गया है कि हर जगह इस बात पर जो है इम्प्लीमेंट हो जाना चाहिए। उसके बाद है कौन सी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को फर्स्ट प्राइज़ मिला है स्वच्छता एक्सीलेंस अवार्ड 2019 के तहत, तो ये मिला है भाई रायगढ़ को, छत्तीसगढ़ के रायगढ़ के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को फर्स्ट प्राइज़ मिला है स्वच्छता एक्सीलेंस अवार्ड, सेकंड मिला है अंबिकापुर, थर्ड आप लोग देख सकते हैं। इंडियन एयरफोर्स की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर कौन बन गई हैं भाई, तो ये बन गए हैं फ्लाइट लेफ्टिनेंट हीना जायसवाल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद है 83rd सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप किसने जीती है, मेंस का अलग है और वुमेन का अलग है, तो मेंस का तो जीता भाई सौरभ वर्मा ने, वुमेन का जीता है साइना नेहवाल ने। उसके बाद है कौन सी ऐसी पहली महिला बनी है जो कि प्रेसिडेंट बनी है एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की, तो ये बनी है डॉक्टर GC अनुपमा, पहली वुमेन है तो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है 83rd नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप, जैसे मैंने बात की थी वो क्वेश्चन था मेंस के लिए, ये है वुमेन्स के लिए, तो साइना नेहवाल ने जो है फाइनल के अंदर PV सिंधु को हराकर ये मैच जीता। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि न्यू इलेक्शन कमीशन कौन बने, क्योंकि चीफ इलेक्शन कमीशन अलग चीज़ है भाई, इलेक्शन कमीशन अलग है, क्योंकि एक चीफ इलेक्शन कमीशन नीचे दो इलेक्शन कमीशनर जो है काम करते हैं, तो नए इलेक्शन कमीशनर बने हैं सुशील चंद्रा। उसके बाद है क्योंकि हमारे इलेक्शन कमीशनर जो है सुनील अरोड़ा है, एक हमारे इलेक्शन कमीशन है अशोक लवासा, दूसरे बन गए हैं सुशील चंद्रा। ईरानी कप 2019 के लिए किसने जीता है भाई, तो ईरानी कप जो है जीता ये भी विदर्भा ने ही जीता है, यानी कि रणजी के साथ साथ ईरानी कप भी जो है विदर्भा ने ही जीता। उसके बाद है पहली बार जो है फुटबॉल दिल्ली ने फुटबॉल रत्न दिया है, तो ये किसको दिया गया है, किसको नवाजा गया है, तो ये है भाई हमारे इंडिया के सुनील छेत्री, जो कि एक फुटबॉलर हैं। उसके बाद है कौन से स्टेट ने बिल पास कर दिया है कि संस्कृत को उसकी सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज बनाई जाएगी, यानी कि पहली तो उसकी हिंदी है लेकिन सेकंड जो है अब जो है उसको संस्कृत बनाई जाएगी, तो ये देश है भाई हिमाचल प्रदेश, हमारा स्टेट है जो उसने ये ऑर्डर पास किया है। उसके बाद है मार्टिन एनल्स ह्यूमन राइट प्राइज 2019 के लिए ये किसको मिला है, तो ये मिला है अब्दुल अजीज मोहम्मद को, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है एक बुक है जिसका नाम है सिंपलिसिटी एंड विजडम, तो इसके लेखक कौन है, ये हैं दिनेश सारा जो हैं इसके ऑथर हैं, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है हु हैज़ बीन डेजिग्नेटेड एज ब्रांड एम्बेसडर फॉर ग्लोबल स्पोर्ट्स वेयर जाइंट प्यूमा, यानी कि प्यूमा इंडिया के लिए किसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है भाई, तो ये 6-time वर्ल्ड चैंपियन मैरी कॉम को बनाया गया है, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है टैगोर अवार्ड फॉर कल्चर हार्मनी 2016 के लिए, क्योंकि ये अवार्ड भी 3 से 4 साल के लिए अनाउंस हुए हैं, 13, 14, 15, 16 के लिए, 17, 18, 19 के अभी नहीं आए हैं, तो 2016 के जो हैं वो किसको दिया गया है, ये दिया गया है राम वांजी सूतर को, जो कि आपने सुना होगा स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि गुजरात के अंदर है, जो कि हमारे
लोहपुरी सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है, तो उसके जो मूर्तिकार हैं वो यही हैं, राम सुतर वंजे। हो सकता है ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाए आपसे, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बाकी डिटेल आप लोग देख सकते हैं, मैं इसकी PDF भी आप लोगों को दे दूंगा। उसके बाद है शिमला वाटर सप्लाई के लिए एक लीगल एग्रीमेंट हुआ है, तो किसके साथ हुआ है भाई हमारा एग्रीमेंट? तो ये हुआ है वर्ल्ड बैंक के साथ, जिसकी अभी प्रेसिडेंट कौन है भाई, ये हैं क्रिस्टिना जॉर्जिया, और 40 मिलियन $40 का जो है एग्रीमेंट हुआ है। उसके बाद है जो CBDT है यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स है, उसके नए चेयरमैन अभी कौन अपॉइंट हुए हैं भाई? तो ये अपॉइंट हुए हैं प्रमोद चंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है बाफ्टा फिल्म यानी कि 72वां बाफ्टा फिल्म जो अवार्ड हुए हैं अभी, उसके अंदर कौन विनर हुआ यानी कि किस मूवी को जो है बेस्ट मूवी का अवार्ड मिला है? तो ये मूवी है भाई द फेवरेट, क्योंकि बाफ्टा में और ओस्कर में डिफरेंस है। हालांकि एग्जाम में से क्वेश्चन जो है दोनों में से पूछे जाते हैं, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ओस्कर के अवार्ड को हम बाफ्टा में कन्फ्यूज़ ना कर दें। उसके बाद है वंदे भारत एक्सप्रेस, जो कि पहले उसका नाम ट्रेन 18 था, बाद में उसको बदलकर वंदे भारत एक्सप्रेस रख दिया था। तो उसका रूट क्या है भाई? तो ये है न्यू दिल्ली से वाराणसी। ये क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में देखा भी था मैंने। RBI के नए गवर्नर, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी मैं रिपीट करना चाहूँगा ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम में पूछा जाए तो आपको याद रहे। इंपॉर्टेंट क्या है, ये है ये डाटा कि ये 25वें भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं, नाम है शक्तिकांता दास। उसके बाद एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, नाम है इसका हैंड इन हैंड, तो ये इंडिया और चाइना के बीच में की जाती है, इंपॉर्टेंट है। बांग्लादेश के साथ हम करते हैं भाई संप्रीति। उसके बाद USA के साथ हम करते हैं वज्र प्रहार, और नेपाल के साथ हम करते हैं सूर्य किरण। ये सब मिलिट्री एक्सरसाइज हैं जो हम दूसरे कंट्री के साथ करते हैं, ये तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन ये भी साथ में इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है जननपीठ अवार्ड 2018 किसको मिला है भाई? तो ये मिला है अमिताभ घोष को, क्योंकि अमिताभ घोष जो है इंग्लिश के भी ऑथर हैं, तो आप इनके जो है नॉवल देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। UPSC के नए चेयरमैन कौन बने हैं भाई? तो ये बने हैं मिस्टर सक्सेना यानी कि अरविंद सक्सेना, ऑप्शन नंबर डी। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि ब्राज़ील के नए प्रेसिडेंट के रूप में किसने अभी शपथ दी है? तो ये शपथ ली है भाई जैर बोल्सोनारो ने। ये क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में देखने को मिला था, तो ब्राज़ील के नए प्रेसिडेंट ये बन गए हैं अब। और 2016 के रियो डी जनेरियो जो ब्राज़ील में हुए थे ओलंपिक, वो ब्राज़ील के अंदर ही हुए थे 2016 के ओलंपिक्स। 2020 के कहाँ होंगे ये आप लोग बता सकते हैं। अभी अभी तीन बैंकों का मर्जर हुआ है, बैंकों के नाम क्या है भाई? देना बैंक, विजया बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा। आंसर आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए। चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के चीफ इकोनॉमिस्ट के तौर पर अभी अपॉइंट किया गया है भारत की गीता गोपीनाथ को, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स के अंदर एशिया कंपिटेटिव इंडेक्स के अंदर जो है कौन से स्टेट को टॉप स्थान मिला है? तो ये मिला है आंध्र प्रदेश को, ऑप्शन नंबर सी। 46 क्वेश्चन है कि वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर और वुमेन्स ODI प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला है भाई? तो ये मिला है नन अदर देन स्मृति मंथना को। कोई मंथना ही बोलते हैं, हमको प्रोनाउंसिएशन पे नहीं जाना, हमें जो है नॉलेज होनी चाहिए भाई। उसके बाद है कौन सी कंट्री ने टेस्ट किया है सबसे पावरफुल नॉन न्यूक्लियर वेपन, जिसको जो है ताकत जो है सबसे ज़्यादा है, जिसको कि मदर ऑफ ऑल बॉम भी बोला जाता है? तो ये ऐसा करने वाला देश है भाई हमारा पड़ोसी देश चाइना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कौन सी फीमेल इंडियन फीमेल बॉक्सर ने 6वीं बार जो है वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीती है? तो भाई ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, मैरी कॉम ने। पहले जो है 2002, 2005, 2006, 2008, 2010 और 2018, पाँच ये और 2019 छवां आप लोग देख सकते हैं। सॉरी लास्ट में 2018 ही है, तो छवां जो है 2018 ही है। उसके बाद है वज्र प्रहार, अभी ये भी डिस्कस किया था मैंने हैंड इन हैंड के साथ, जब मैंने हैंड इन हैंड के बारे में बताया था कि चाइना के साथ करते हैं हम, तो वज्र प्रहार भी बताया था। तो ये है भारत और अमेरिका, ऑप्शन नंबर ए। आप फिर से देख सकते हैं कि रशिया के साथ इंदिरा होती है, चाइना के साथ हैंड इन हैंड और बांग्लादेश के साथ संप्रीति। उसके बाद है T20 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2018 किसने जीता भाई? तो ये जीता है ऑस्ट्रेलिया ने, फाइनल के अंदर इंग्लैंड को हराया, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि न्यू इलेक्शन कमिश्नर, मैंने जैसे बात की थी कि पहले एक मैंने डिस्कस किया था कि इलेक्शन कमिश्नर, अब मैं बात कर रहा हूँ चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जो कि है सुनील अरोड़ा, ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहूँगा कि हमारे सबसे पहले
चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? ये थे सुकुमार सेन थे, और इनकी टर्म जो है 65 और 6 साल, यानी कि दोनों में से जो भी पहले आए वो जो है मानी जाती है, और अपॉइंट किया था इनको प्रेसिडेंट के द्वारा। उसके बाद है कोरियन लीडर किम जोंग यून और यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की सेकंड मीटिंग होने वाली है, यानी कि सेकंड मीटिंग हो चुकी है। तो ये कहाँ पर हुई है भाई? तो फर्स्ट मीटिंग तो हुई थी भाई इनकी सिंगापुर के सेंटोसा आइलैंड में, और अब हुईगी वियतनाम के अंदर। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर होगा, कैपिटल है उसकी हैनोई। ऑस्कर के अंदर जो है, जैसे मैंने बात की थी बाफ्टा के अंदर जो था फेवरेट को बेस्ट मूवी का अवार्ड मिला था, और बेस्ट पिक्चर का अवार्ड ऑस्कर के अंदर मिला है ग्रीन बुक को। तो दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं, और डेफिनेटली दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आपको एसएससी के अंदर देखने को मिलेंगे भाई। तो कन्फ्यूज नहीं रहना, किसी भी तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। उसके बाद है स्वस्थ इम्यूनाइज्ड इंडिया कैंपेन के अंदर जो है कौन सी एक्ट्रेस को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो ये एक्ट्रेस है भाई करीना कपूर खान। इसके अंदर क्या है कि एक अवेयरनेस जनरेशन की जाएगी कि अपने बच्चों के अंदर जो भी हैं, यानी कि जो भी चाइल्ड है उनके अंदर वैक्सीनेशन कितना ज़रूरी है, उसका टीकाकरण करना बहुत ज़रूरी है। तो इसी के बारे में जो है कैंपेन ये चलाया जाएगा, इनकी अवेयरनेस फैलाई जाएगी। ऑस्कर 2019 के अंदर बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट कैटेगरी के अंदर किसको मिला है? तो कौन सी मूवी जीती है भाई? तो ये जीती है पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस। आप चाहें तो इसके डायरेक्टर का नाम याद रख सकते हैं, जिसका नाम है रायका जहताब जी। उसके बाद है LIC 1956 के अंदर इस्टेब्लिश हुआ था, तो नए चेयरमैन इसके बने हैं मिस्टर MR कुमार, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है यूनाइटेड किंगडम ने, यानी कि ब्रिटेन ने जो है इशू किए हैं ब्लैक होल कौन, किसकी याद में, यानी कि किस रिनाउंड पर्सनैलिटी की, यानी कि किस प्रसिद्ध हस्ती के नाम पे? तो ये किए गए हैं भाई स्टीफन हॉकिंस। इनकी डेथ एनिवर्सरी को, पहली डेथ एनिवर्सरी थी, तो उन्हीं पे ये कुछ सिक्के जो हैं रिलीज किए गए। उसके बाद है भाई मनोहर पारिकर जो है गोवा के CM थे जब उनकी डेथ हुई। अब जो है प्रमोद सावंत इस स्टेट के जो है गोवा के प्रेजिडेंट बोल रहा हूँ सॉरी चीफ मिनिस्टर हैं। और CM कब रहे हैं गोवा के भैया? 2000 से 2005, 12 से 14, और 14 मार्च 2017 से लेकर टिल डेथ तक, यानी कि 17 मार्च 2019 तक। इससे पहले डिफेंस मिनिस्टर भी रह चुके थे। उसके बाद 2019 के सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो कि क्रिकेट से बिलोंग करती है, तो इसको किसने जीता है भाई? तो इसके अंदर कर्नाटका ने फाइनल के अंदर महाराष्ट्र को हराया, तो ऑप्शन नंबर डी कर्नाटका। उसके बाद है इंडिया का पहला एंटी करप्शन ओम्बड्समैन और लोकपाल, तो कौन बने हैं भाई? आपको पता है कि सेंटर के लिए लोकपाल की टर्म यूज़ की गई है, और स्टेट के लिए लोकायुक्त, लोकायुक्त। तो ये स्टेटमेंट जो है, तो अभी जो है लोकपाल किसको अपॉइंट किया गया है? तो ये हैं जस्टिस PC घोष, यानी कि पिनाकी चंद्र घोष को पहला एंटी करप्शन ओम्बड्समैन और लोकपाल जो है नियुक्त किया गया है। और ये ओम्बड्समैन का कंसेप्ट जो है बोरो किया गया है स्वीडन से, और टर्म लोकपाल जो थी कोइन की है LM सिग्वी 1963 के अंदर। पद्म भूषण किसको मिला है, कौन से इसरो साइंटिस्ट को मिला है आपकी बार? तो ये मिला है नाम्बी नारायण को, ऑप्शन नंबर बी। ये टर्म आपको बताइए कि किस तरह से इनका जो है क्रोनिकल जो इनका ऑर्डर है, इनके जो सिविलियन अवार्ड हैं, सबसे ऊपर आता है भारत रत्न, फिर पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण और पद्म श्री। इस बार जो है शौर्य चक्र दिया गया है, जो कि 16 ईयर ओल्ड के लड़के को दिया गया है, इनके बॉय है जिसने कि मिलिटेंट को अपने घर में घुसने से रोका। तो ये है जम्मू एंड कश्मीर के इरफान रमजान शेख। उसके बाद है कजाकिस्तान की जो पार्लियामेंट हैं, उन्होंने वोट किया है कि उनकी कैपिटल का नाम जो कि अस्ताना था उससे चेंज कर अब बदल दी जाए, क्योंकि वहाँ के प्रेसिडेंट नूर सुल्तान थे जिन्होंने इस्तीफा दिया, तो इन्हीं के नाम पर जो है कैपिटल का नाम रखा जाएगा अब। उसके बाद है विच कंट्री हैज टॉप्ड ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स, यानी कि हैप्पीनेस रैंकिंग के अंदर किसका नाम सबसे ऊपर रहा? तो ये रहा फिनलैंड का, कैपिटल है हेलसिंकी और करेंसी यूरो है। और साउथ सूडान सबसे लीस्ट हैप्पी देश रहा, इनके सबसे नाखुश देश रहा, और इंडिया का स्पोर्ट 140 रहा इसके अंदर, 140वां। सेकेंड स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन जो है अभी इंड्यूस की गई है इंडियन नेवी के द्वारा मई के अंदर, तो इसका नाम है भाई INS खंडेरी, और पहली थी INS कैलवरी। जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको PDF के अंदर मिल जाएगी आप वहाँ से ले सकते हैं। मैं जस्ट आपको ये वीडियो थ्रू रिविज़न के लिए करवा रहा हूँ, ताकि एग्ज़ाम जाने से पहले आपका रिवीजन हो पाए अच्छे से। उसके बाद है किसको WHO के अंदर चीफ साइंटिस्ट का जो है उनको नामित किया गया, यानी कि उनको बना दिया गया है? तो ये बनाया गया भाई सौम्या स्वामीनाथन को, ऑप्शन नंबर डी।
2019 का सैफ वुमेन चैंपियनशिप किसने जीती? सॉरी, तो ये कब जीता है भाई इंडिया ने, और ये नेपाल के अंदर होस्ट हुआ था। इंडियन कोच जो है मेहमान रोकी थे उस समय पर, और प्रेसिडेंट है नेपाल की विद्या देवी भंडारी, और प्राइम मिनिस्टर है केपी ओली। तो जैसे ही आपने वो पता है कि अलग अलग तरह के कीर्ति चक्र हो गया, शौर्य चक्र हो गया, अशोक चक्र हो गया, ये दिए जाते हैं, तो की बार कितने कीर्ति चक्र दिए गए? तो दिए गए हैं भाई 3, और शौर्य चक्र दिए गए हैं 5। और ये दो अलग अलग तरह के होते हैं, एक युद्ध के समय पर, एक शांति के समय पर। अभी युद्ध तो कोई हो नहीं रहा है, तो शांति समय पर जो है सबसे हाईएस्ट अवार्ड जो होता है गैलेंट्री अवार्ड, ये होता है अशोक चक्र। दूसरे नंबर पर आता है कीर्ति चक्र, और तीसरे पर शौर्य चक्र। और यही मैं अगर वॉर टाइम पर इनके युद्ध के समय की बात करूँ तो हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड उस समय माना जाता है परमवीर चक्र को, दूसरा महावीर चक्र, और तीसरा वीर चक्र। उसके बाद है हु वोन द प्रेजिडेंशियल इलेक्शन इन सेनेगल, यानी कि जो सेनेगल कंट्री है वहाँ पर प्रेजिडेंट इलेक्शन किसने जीते हैं? तो ये जीते हैं मैकी सेल ने। कैपिटल वहाँ की डकर है, और टर्म हमारी तरह ही 5 साल की होती है उनकी भी। अगला क्वेश्चन है कि पहला भगवान महावीर अहिंसा पुरस्कार किसने जीता? तो ये जीता है भाई अभिनंदन वर्धमान ने, जो कि आपको बताइए कि जब इंडिया एयर स्ट्राइक कर रहा था तो उस समय पर जो है एयर स्ट्राइक के बाद ये जो हैं पाकिस्तान में लैंड हो गए थे, और बाद में जो है पाकिस्तान ने उनको बाघा बॉर्डर के थ्रू, अमृतसर के थ्रू वापस इंडिया भेज दिया था। तो आंसर क्या होगा? इंडियन एयरफोर्स विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान। उसके बाद है एक एक्सरसाइज जिसका नाम है अलनगा, तो ये कौन सी कंट्री के साथ करता है इंडिया? तो अलनगा करता है भाई ओमान के साथ। हालांकि इसमें मैंने 5-7 एक्सरसाइज कवर कर दी गई हैं, और 5-7 ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछले 6 मंथ में एक्सरसाइज हुई हैं। उसके बाद है एक सिक्का लॉन्च किया जाएगा भाई जिसके अंदर 12 एज होंगे, इस तरह से आप देख सकते हैं कि इस तरह से 12 एज हैं। तो कितने रुपए का सिक्का है ये? ये है 20 रुपए का सिक्का, और मोस्टली जो है ये हेल्पफुल रहने वाला है विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए, यानी कि जिनको देखने में दिक्कत है, इनके नेत्रहीन है, तो उनके लिए एक तरह से क्या है फ्रेंडली रहने वाला है ये, क्योंकि वो छूकर इजीली गैस कर सकते हैं कि 20 रुपए का सिक्का है। उसके बाद है स्वच्छ सर्वेक्षण के अंदर क्लीनेस्ट कैपिटल का अवार्ड किसको मिला? तो क्लीनेस्ट कैपिटल का अवार्ड मिला है भाई भोपाल को। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि क्लीनेस्ट सिटी जो है ये इंदौर है, लेकिन अगर मैं बात करूँ क्लीनेस्ट कैपिटल तो आ जाएगा भोपाल। और क्लीनेस्ट स्मॉल सिटी अवार्ड मिला है न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल एरिया को। उसके बाद है कौन से स्टेट के डिजास्टर मैनेजमेंट को जो है स्कोच अवार्ड 2018 मिला है? तो ये मिला है भाई उड़ीसा के स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है एक ऐप है भाई जिसका नाम है बोलो, जिसके थ्रू जो है इंग्लिश और हिंदी के अंदर जो है पढ़ना सिखाया जाएगा प्राइमरी स्कूल के अंदर। तो ये ऐप लॉन्च की है गूगल ने, आप देख सकते हैं इजिली। उसके बाद है के राजशेखरन, यानी कि कुम्मनम राजशेखरन, जो उनका हाल ही में इस्तीफा दे दिया है गवर्नर के पद से, यानी कि राज्यपाल के पद से। तो कौन से राज्य के ये गवर्नर थे? तो ये थे मिजोरम के, और अब हट गए हैं तो असम के जो गवर्नर हैं जगदीश मुखी, उनको एडिशनल चार्ज दिया गया है स्टेट का। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि गवर्नर अपना रेजिग्नेशन किसको लिखता है? तो ये लिखता है राष्ट्रपति को। उसके बाद है मिसाइल सिस्टम अवार्ड 2019 कौन से इंडियन साइंटिस्ट को दिया गया है भाई? तो DRDO के जो है चीफ को दिया गया है, नाम है इनका जी सतीश रेड्डी। उसके बाद है कौन सी इंडियन अमेरिकन पर्सनैलिटी है जिनको UNDP गुडविल एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है भाई? तो ये किया गया है पद्म लक्ष्मी को, ऑप्शन नंबर सी। ये किया गया था इंटरनेशनल वुमेंस डे, जो कि 8 मार्च को हम सेलिब्रेट करते हैं। बार्क, यानी कि बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के नए डायरेक्टर कौन बने हैं? तो ये बने हैं अजीत कुमार मोहंती। फाउंडर कौन थे? होमी जे बाबा 1954 के अंदर। नए फाइनेंस सेक्रेटरी के रूप में किसे नियुक्त किया गया भाई? तो ये किया गया है ऑप्शन नंबर सी सुभाष चंद्र गर्ग को। और ये कुछ डिफरेंट नाम है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि ये अलग अलग डिपार्टमेंट जो कि फाइनेंस से रिलेट करते हैं सभी के सेक्रेटरी हैं, जो कि एक इम्पोर्टेंट पद है। तो नाम याद रखिएगा आप लोग, सारी लिस्ट आपके सामने है। उसके बाद है पैलेस्टाइन के नए प्राइम मिनिस्टर, नए तो नहीं है भाई, सॉरी मैं पैलेस्टाइन, हाँ पैलेस्टाइन है भाई ये। तो पैलेस्टाइन के प्राइम मिनिस्टर अभी कौन बने हैं? तो ये बने हैं मोहम्मद सत्ता, क्योंकि इसराइल में जो है सेम प्राइम मिनिस्टर बन के आए थे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है क्योंकि पैलेस्टाइन और साथ में बॉर्डर लगता है इसराइल का, तो कन्फ्यूज नहीं करना है। उसके बाद है बुक है, नाम है इसका टाइगर वुमेन।
तो इसके लेखक कौन है? ये हैं शीर्षो बंदोपाध्याय, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि अभी जो है इसको ट्रांसलेट किया गया है इसलिए एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट बनता है। इलेक्शन यानी कि फर्स्ट ट्रांसजेंडर इलेक्शन, आपको बताइए अभी इलेक्शन हो चुके हैं, नई सरकार बन गई है फिर से, तो पहली बार जो है ट्रांसजेंडर जो है एक एम्बेसडर अपॉइंट किए थे ताकि ये लोगों को और भी ज़्यादा जागरूक कर सकें इस कम्युनिटी को, तो नाम है इनका गौरी सावंत, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है 2019 के लिए एबल प्राइज फॉर मैथमेटिक्स किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है कैरन उलन बैक को, और ये 19वें सेंचुरी के नॉर्वन के मैथमेटिशियन थे जिनका नाम है नील हेनरिक एबल, इन्हीं के नाम पर ये अवार्ड दिया जाता है, और इसी अवार्ड को कभी कभार मैथ का नोबेल प्राइज़ भी कहा दिया जाता है। उसके बाद है यूएस की पॉलिटिक्स की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा समय तक, यानी कि अगर वो कौन से ऐसे प्रेसिडेंट हैं जो कि सबसे ज़्यादा जीवित रहने वाले प्रेसिडेंट बने हैं, हालांकि प्रेसिडेंट की टर्म जो है 2 साल की होती है भाई, सॉरी 4 ईयर की होती है, और मैक्सिमम 2 बार ही कोई व्यक्ति यूएस का प्रेसिडेंट बन सकता है। तो भाई इनका नाम है भाई जिम्मी कार्टर, पहले ये जो एक तरह से नाम कह लीजिए पहले जॉर्ज डब्ल्यू बुश के नाम था, लेकिन अब जो है ये बदलकर जिम्मी कार्टर हो गए हैं। नेवल स्टाफ के नए चीफ कौन बनने वाले हैं भाई? तो ये बनने वाले हैं ऑप्शन नंबर डी करमबीर सिंह, और ये सक्सीड करेंगे एडमिरल सुनील लांबा को। उसके बाद 2019 के लिए ग्लोबल टीचर प्राइज़ किसको मिला है? तो ये मिला है पीटर तबीची को, केन्या के ये टीचर हैं। एक बुक है जिसका नाम है एवरी वोट काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडियन इलेक्शन, तो ये लिखी है नवीन चावला ने। ये फोटो जो है भाई पोस्टर जो है बुक का नोवेल का मैं इसीलिए ऐड करता हूँ, कई बार दिमाग में बुक का नाम यही याद रहता है लेकिन ऑप्शन देख के याद आ जाता है कि हाँ कहीं ना कहीं इसकी फ़ोटो देखी थी। उसके बाद है वर्ल्ड के अंदर मोस्ट पॉपुलेटेड कैपिटल सिटी कौन सी है अगर एज पर हम बात करें वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट, तो ये है भाई हमारी दिल्ली, सेकंड प्लेस मिला है ढाका को और थर्ड मिला है काबुल को। उसके बाद है नेपाल ने अपना सक्सेसफुली पहला सैटेलाइट नेपाली सेट जो है लॉन्च कर दिया, लेकिन एक बर्ड प्रोजेक्ट था कौन सी कंट्री का जिसके थ्रू इन्होंने लॉन्च किया, तो ये था जापान का बर्ड प्रोजेक्ट। बर्ड प्रोजेक्ट के अंदर क्या है कि एक देश दूसरे देश को उसका पहला सैटेलाइट लॉन्च करने में हेल्प करेगा, तो जापान के बर्ड प्रोजेक्ट ने नेपाल की हेल्प की, और रावण वन जो है श्रीलंका का पहला सैटेलाइट है जो कि इन्होंने लॉन्च किया। उसके बाद है विच इंडियन पर्सनैलिटी इज़ द रेसिपियंट ऑफ द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज बोडले मेडल, तो ये मिला है हमारे इकोनॉमिस्ट को, नाम है अमर्त्य सेन, इनको जो है नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है इकोनॉमिक्स के लिए। एक बुक है नाम है इंडियन फिजिकल फेडरलिज्म जो कि लिखी है वाई वी रेड्डी और जी आर रेड्डी ने कंबाइन, बुक का नाम याद रखिएगा। उसके बाद है लिक्विड मिथेन जो है स्पॉट की गई है कौन से सेटेलाइट के अंदर, सेटेलाइट भाई ये है नेचुरल सेटेलाइट और ये है टाइटन जो कि शनि का सैटर्न का उपग्रह है, यानी कि नेचुरल सेटेलाइट है, इसके ऊपर अभी लिक्विड मिथेन जो है स्पॉट की गई यानी कि पाई गई। उसके बाद है जुजैन कैप्टोवा जो कि राष्ट्र की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, तो ये कौन से राष्ट्र की महिला यानी कि महिला प्रेसिडेंट बनी है, तो ये बनी है स्लोवाकिया की। स्लोवाकिया जो है पहले क्या थी, एक एंटी करप्शन एक्टिविस्ट थी जो कि हाल ही में इनको अभी प्रेसिडेंट के पद के लिए चुना गया है, कैपिटल है ब्रेटिसल्वा। उसके बाद है कौन से स्टेट ने 1 अप्रैल 2019 को अपना 84वां स्थापना दिवस यानी कि फाउंडेशन डे मनाया, तो ये है भाई उड़ीसा, क्योंकि पहले ये भी बिहार का पार्ट हुआ करता था, और इस दिवस को ये लोग उत्कल दिवस के रूप में मनाते हैं, यानी कि इस दिन को उत्कल दिवस का नाम दिया है, 1 अप्रैल 1937 को जो है उड़ीसा बना था। उसके बाद है क्रोएशिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है जिसका नाम है ग्रैंड ऑर्डर ऑफ किंग ऑफ टोमिसलेव, जो कि मिला है हमारे प्रेसिडेंट को, नाम है मिस्टर रामनाथ कोविंद, ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में अंदर, क्योंकि क्रोएशिया का जो है अवार्ड इनको मिला है और रशिया का अवार्ड हमारे पीएम नरेंद्र मोदी को मिला है, तो कन्फ्यूजन करने के लिए एग्जाम में क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। F1 रेसी बहरीन ग्रैंड प्री किसने जीता है? भाई ये जीता है लुइस हैमिल्टन ने। गाड़ी कौन सी जाती है वो आप लोग, गाड़ी कौन सी चलाते हैं, कौन सी कंपनी की, ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। इंडियन आर्मी ने एक ब्रिज बनाया है भाई, नाम है मैत्री ब्रिज, कौन सी नदी के ऊपर,
इंडस नदी के ऊपर, यानी कि सिंधु नदी के ऊपर 260 फीट का लॉन्ग सस्पेंशन है और 40 दिन के अंदर लेह के अंदर बना है। सारा ही डाटा इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में शायद FCA का एग्जाम हुआ था 3-4 दिन पहले, तो उसमें क्वेश्चन आया हुआ था कि मैत्री ब्रिज जो है कौन सी नदी के ऊपर बना है भाई, तो ये इंडस रवि यानी कि सिंधु नदी के ऊपर बना है। उसके बाद है प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड, जो है सम्मान पुरस्कार किसको मिला है, तो ये मिला है स्विस बेस NRI डॉक्टर राजेंद्र जोशी को, ऑप्शन नंबर सी। सुल्तान अजलन शाह हॉकी टूर्नामेंट किसने जीता है, तो ये जीता है भाई साउथ कोरिया ने, और 5-टाइम चैंपियन इंडिया को इन्होंने फाइनल के अंदर हराया, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अभी जो है अर्थ आर 2019 मनाया गया, उसका 13वां एडिशन, जो कि इस समय पर जो है 1 घंटे के लिए पावर कट जो है दिया जाता है पूरे 1 घंटे के लिए। और कनेक्ट टू अर्थ जो था इसकी बार का, अब की बार का जो था थीम था, और एक स्पेसिफिक डे होता है जो कि मार्च के एंड में रखा जाता है, इस बार ये 30 मार्च को मनाया गया। और 1 घंटे जो है बिजली बंद कर दी जाती है 8:30 से 9:30 तक, और WWF वर्ल्ड वाइल्ड फंड जो है इसको जो है इतना से मैनेज रखता है। उसके बाद है फर्स्ट बाई मंथली पॉलिसी के अंदर जो है रेपो रेट गिरा दी थी, यानी कि 6.25 से 6% जो थी कर दी थी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद है फीफा रैंकिंग के अंदर टॉप किसने किया भाई, तो ये किया है बेल्जियम ने, ऑप्शन नंबर ए बेल्जियम। और इंडिया जो है 101वीं पोजीशन पर पहुंच गया था, और फ्रांस जो है 2nd पोजीशन पर रहा जिसने कि फीफा वर्ल्ड कप जीता था, और ब्राज़ील 3rd पोजीशन पर। पहली अफ्रीकन अमेरिकन फीमेल मेयर बनी है शिकागो की, तो नाम क्या है इनका, इमेज में आप देख सकते हैं इनको, नाम है इनका लोरी लाइटफुट। उसके बाद है यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ लंदन ने शाहरुख खान को, ऑप्शन नंबर ए, ऑनरेरी डॉक्टरेट इन फिलेंथ्रोपी जो है इनको कन्फर्ट किया है, यानी कि उसे सम्मानित किया है। उसके बाद है वर्ल्ड बैंक के नए प्रेसिडेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, वर्ल्ड बैंक के नए प्रेसिडेंट बने हैं भाई डेविड मेलपास, पहले कौन थे, जिम योंग किम थे भाई, उनको रिप्लेस कर कर ये बने हैं। उसके बाद है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू हेड कोच, यानी कि इंडियन नेशनल हॉकी टीम के नए कोच किसको बनाया गया है, तो ये ऑस्ट्रेलिया के ग्राहम रीड को। कैप्टन आपको पता ही है, ये है कैप्टन है मनप्रीत सिंह। उसके बाद है हु हैज़ बीन नेम्ड एज फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर, यानी कि ESPN का इंडिया मल्टी स्पोर्ट्स अवार्ड जो था उसके अंदर फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला, तो ये मिला है भाई PV सिंधु को। अगर मैं टीम की बात करूं तो ये मिला है टेबल टेनिस टीम को, यानी कि फीमेल तो हो गई PV सिंधु, टीम की बात करेंगे तो टीम होगी टेबल टेनिस टीम। और अगर मैन की बात करेंगे तो ये मिला है भाई नीरज चोपड़ा जो कि जैवलिन थ्रोअर है, मेल स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला इनको। तो उसके बाद है फर्स्ट इमेज कैप्चर की गई है भाई ब्लैक होल की, तो कौन से प्रोजेक्ट के थ्रू ये कैप्चर की गई, तो नाम था इसका इवेंट होरिजोन टेलीस्कोप, यानी कि EHT। उसके बाद है रशिया के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है, नाम है जिसका ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्री ऑफ अपोस्टल, ये अवार्ड दिया गया है हमारे PM नरेंद्र मोदी को। 7 इंटरनेशनल अवार्ड मिल चुके हैं इनको 2014 से जब से PM बने हैं, नाम आप देख सकते हैं UAE का जायद मेडल, सियोल का, साउथ कोरिया का सियोल पीस प्राइज, UN चैम्पियन ऑफ अर्थ, ग्रैंड कोल ऑफ द पैलेस्टाइन, अमीर अब्दुल्ला खां, और जो है अब्दुल्ला शाह ऑफ सऊदी अरेबिया, ये इनको अवार्ड मिल चुके हैं अब तक, यानी कि 7 इंटरनेशनल अवार्ड मिल चुके हैं। 2018 के लिए सरस्वती सम्मान के लिए किसे चुना गया है, तो ये चुना गया है तेलुगु पोइट, नाम है के शिवार रेड्डी, और बुक थी इनकी टर्निंग असाइड वाइल लाइंग डाउन, इसके लिए जो है इनको ये अवार्ड मिला है। कौन सा ऐसा देश है वर्ल्ड का जिसने सबसे पहले मलेरिया की वैक्सीन दी है, तो ये है भाई अफ्रीका का मालावी, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है कौन से इंडियन रेसलर जो है बने हैं नंबर 1 बेंच 65 फ्री स्टाइल कैटेगरी के अंदर, तो नाम आपने सुना ही होगा भाई बजरंग पूनिया का, क्योंकि रेसलिंग के अंदर अभी 65 किलो की कैटेगरी के अंदर मेडल यही ला रहे हैं इंडिया के लिए। माई सर्कल ऐप है जो कि एयरटेल ने लॉन्च की है, इनके भारतीय एयरटेल ने लॉन्च की है, जो कि एक वुमेन सेफ्टी ऐप है, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है अभी एक चर्च में जो था ब्लास्ट हुआ था, वहाँ से आग लग गई थी भाई, तो चर्च का नाम है नोटर डेम कैथल, जो कि पेरिस फ्रांस के अंदर है, और यूनेस्को ने जो एक्सपर्ट टीम इनको तैयार भी हो गई है कि इस
बिल्डिंग को जो है स्ट्रक्चर को दोबारा से रीबिल्ड किया जाएगा। WHO की मोस्ट 15 मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी जो हैं पोल्यूटेड सिटी यानी कि दूषित सिटी प्रदूषित शहर, तो इनके अंदर फर्स्ट रैंक किसका है भाई, तो ये है कानपुर का, दूसरा रैंक आता है फरीदाबाद का और तीसरा वाराणसी का। तो आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी कानपुर। उसके बाद है स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप जो कि पहली बार हो रहा है, तो उसके गुडविल एम्बेसडर किसको बनाया गया भाई, तो ये बनाया गया है हमारी कैप्टन वुमेन क्रिकेट टीम कैप्टन मिताली राज को। उसके बाद है हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद पुलित्जर अवार्ड इन फिक्शन कैटेगरी, पुलित्जर अवार्ड जो है ये मिला है फिक्शन कैटेगरी के अंदर रिचर्ड्स पावर को, नोबल हैंड की द ओवर स्टोरी, G20 समिट 2020 के अंदर सऊदी अरेबिया रियाद के अंदर होगी, 2018 की अर्जेंटीना, 19 की जापान के अंदर। उसके बाद है फर्स्ट इंडियन वूमेन टू बी सिलेक्टेड इन द रॉयल सोसाइटी, तो रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के अंदर जो है गगनदीप कांग को जो है ऐड कर लिया गया, इनकी पहली वूमेन बनी है वो भारतीय। यूक्रेन के प्रेसिडेंट इलेक्शन के अंदर किसने जीत जाहिर की भाई, ये की है वोलोदिमिर जेलेंस्की ने, जो कि एक कॉमेडियन है जो कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट बन गए हैं। उसके बाद है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इसराइल, नन अदर देन बेंजामिन नेतन्याहू, काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। उसके बाद है हम ग्लोबल अर्थ डे हर साल किस दिन मनाते हैं, तो हम मनाते हैं भाई 22 अप्रैल को, जस्ट टू सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट ऑफ अर्थ, और थीम था प्रोटेक्ट आर स्पीसीज, अब की बार का थीम आप देख सकते हैं वर्ल्ड अर्थ डे का जो कि 22 अप्रैल को मनाते हैं। उसके बाद है संतोष ट्रॉफी 2019 किसने जीती, तो संतोष ट्रॉफी जो बिलोंग करती है ये करती है भाई फुटबॉल से, और फुटबॉल का ये जो कप जीता है ये जीता था सर्विसेज ने यानी कि डिफेंस सर्विसेज ने, और लुधियाना के अंदर इसका फाइनल हुआ था, फाइनल में पंजाब को ही हराया। तो आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद एक बुक है जिसका नाम है खूनी बैसाखी, तो इसके ऑथर कौन है भाई, तो ऑथर है इसके नानक सिंह, आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अंदर भारत का रैंक क्या है भाई, तो भारत का रैंक है 140वां। और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि रिलीज किसके द्वारा की जाती है, की जाती है रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर के द्वारा ये रिलीज की जाती है भाई, और NGO जो कि पेरिस के अंदर है। उसके बाद है 20 रुपये का जो है बैंक नोट है जिसके ऊपर एक हेरिटेज साइट की जो है तस्वीर है, तो वो कौन सी है, तो इसके ऊपर है भाई एलोरा केव्स की जो है इसके अंदर तस्वीर है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। तो भाई ये तो थे हमारे 6 मंथ के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे उनको मैंने एक वीडियो के अंदर मर्ज किया था, जो कि आपको SSC के एग्ज़ाम के अंदर, क्योंकि बहुत सारी शिफ्ट होंगी और भी मैं कुछ है जो मई के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनकी भी वीडियो कुछ दिन के अंदर डाल दूंगा। तो चलिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए जल्द मिलेंगे नए वीडियो के साथ, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू फॉर योर SSC एग्ज़ाम, आई होप कि इस बार आप अच्छे से तैयारी करके एग्ज़ाम दें और सिलेक्शन ले लें। तो जल्दी मिलेंगे, जय हिंद जय भारत एंड गुड लक टू ऑल ऑफ यू।